assumption of ठीक है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हम एक एक चीज बता रहे हैं कि इसको अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो भी रिग्रेशन मॉडल होता है ना वो आधारित होता है सर्टेन अजम्पशन पर। अगर कोई एक पार्टिकुलर रिग्रेशन मॉडल जो हम फंक्शन दिखा रहे थे भी चाहे वो सैंपल का हो ठीक है वो अगर फुलफिल करता है सर्टेन अजम्पशन तब उसको हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। अब ये कौन कौन सा सर्टेन अजम्पशन है उस पर मैं बात करूँगा। तो पहला हम लोग कहते हैं रिग्रेशन मॉडल इज ए लीनियर इन पैरामीटर। पैरामीटर पर ये लीनियर होना चाहिए। जैसा मैं एक टो करके दिखा दे रहे हैं जो ये पैरामीटर है इसका देखो पॉपुलेशन का ही ले रहे हैं B1 B2 XI ठीक है और आपको UI डिस्टर्बेंस टर्म ये जो कंप्लीट मॉडल है ठीक है। अब यहाँ जो पैरामीटर कौन है β1 β2 और X and Y आर डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है। तो ये लीनियर होना चाहिए मतलब लीनियर का मतलब इसका पावर 1 होना चाहिए एक से ज़्यादा पावर नहीं हो सकता और ये कोई ज़रूरी नहीं है जो ये वेरिएबल है वो लीनियर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं मानी फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों पैरामीटर और वेरिएबल दोनों को लीनियर रखा। पैरामीटर जिसका वैल्यू फिक्स होता है वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर एक्स का चेंज करेंगे तो वो ऑब्वियसली वाई का भी वैल्यू चेंज होगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ β1 β2। ये लीनियर होना चाहिए लीनियर का मतलब 1 उसका पावर होना चाहिए। जहाँ इसको हम β1 स्क्वायर कर दें तो ये वॉयलेशन होगा इसका ठीक है। ये पहला लीनियर है इसीलिए कहा गया है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। पहला अजम्पशन क्लियर किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये हो सकता है ऐसे भी करेंगे तो भी ये सही है। पैरामीटर में इट इज नेसेसरी फॉर हैविंग लीनियर इन पैरामीटर इट मे नॉट बी कंपल्सरी लीनियर इन वेरिएबल ठीक है। पहला मैंने बता दिया ये क्लियर हो गया। अरे वो बोलो रे तुम लोग पढ़ता है कि खेल करता है हाँ। अरे भैया हम एक बतिया बोल दिए पैरामीटर में खाली पावर 1 रहेगा बाकी तुमको जो करना है कर सकते हो लेकिन ये जो पैरामीटर में पावर सिर्फ लीनियर रहेगा बाकी वो ना ये स्क्वायर लगा देंगे तो ना लीनियर हो जाएगा। अरे अपना दिमागवा कहल लगा रहे हो ये बस हम यहाँ पर देखो अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूजुअली हम लोग रखते हैं दोनों लीनियर पैरामीटर में भी वेरिएबल में। अगर एक्स स्क्वायर भी मिल जाए तो उसे घबराने की बात नहीं लॉग वगैरह लेके उसको लीनियर बना देते हैं सोल्यूशन में ठीक है। इतना अपना दिमाग मत लगाओ बस खाली मैंने हमने यहाँ रखा लेकिन फॉर यूजुअली जो प्रयोग किया जाता है मैं वही वाला रिग्रेशन फंक्शन को लिखा हूँ ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे तो वहाँ पर तो आ ही जाएगा ना। खैर एनीवे दूसरा है देखो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डेट इज द इनडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको XI कहते हैं ठीक है या X1 का बहुत सारे। अब यहाँ दिमाग खोलना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में जाके एक्स का बहुत वैल्यू हो सकता है जैसे 10, 20, 30 मने हो गए समझो दिमाग खोलना पड़ेगा वो अपने समझ में बनता नहीं है इस तरह ही होता है। देखो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर नॉट कोरिलेटेड कोरिलेशन जानता है विद द डिस्टर्बेंस टर्म मतलब नो कोरिलेशन या नो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस टर्म। तो डिस्टर्बेंस टर्म को UI से हम डिनोट करते हैं ये दोनों को कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए या हम कहें कि कोवेरियंस बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डेट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म डिस्टर्बेंस टर्म का जो कोवेरियंस होगा वो 0 होगा ठीक है। कोवेरियंस आपने कोरिलेशन में पढ़ा होगा तो ठीक है UI इसका कोवेरियंस 0 होगा मतलब ये दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है डिस्टर्बेंस टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स हम लोग डिनोट करते हैं ठीक है। ये भी हो गया। अब इसका एजम्पशन का देखो एक एक चीज़ है बहुत अच्छा खुल के नोट्स में एक एक चीज़ को हम खोल खोल के लिखे हैं। एजम्पशन इज ऑटोमेटिकली फुलफिल ये माने ये जो एजम्पशन है ऑटोमेटिकली फुलफिल कब होगा जब एक्स इज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉन स्टोकास्टिक होगा नॉन रैंडम होगा। इसके लिए मतलब ये नॉन रैंडम होगा मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर अंडर द क्लासिकल
लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपको यहाँ लिख दिए हैं जो एक्स आई का जो इसका वैल्यू को फिक्स रखना पड़ेगा, रिपीटेड सैंपल जितना भी सैंपल लेंगे इसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए, और जहाँ वोलेशन होगा इसका तो एक नया प्रॉब्लम का जन्म देगा जिसको मल्टी कोवेलिनिटी कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम्स, इतना तो खोल खोल के बता रहे हैं। ये माना गया है, देखिए बताते हैं, इसका जो रिपीटेड सैंपल हम लेंगे ना तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो फिक्स्ड माना गया, ये माना गया है, इसी तो भैया इसका वॉयलेशन होता है, तभी तो बना है मल्टी कोलिनिटी दोनों के बीच में फिक्स रहेगा। या आपसे मैंने आप उतना दिमाग मत लगाइए, नहीं तो सीधा सीधी समझिए जो कोरिलेशन मतलब कोरिलेटेड ये दोनों नहीं होगा, या आप कह सकते हो जो एक्स आई का वैल्यू कैप्ट फिक्स्ड रखना पड़ेगा रिपीटेड सैंपल में, जो इट इज नॉट पॉसिबल, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही सैंपलिंग लेंगे, लेकिन हम उतना खुलने, लेकिन आपको यहाँ मोटा मोटी हम आगे जाके समझाने के लिए बता दिए कि कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रैंडम टर्म का जीरो होगा, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यही इसका सेकेंड नंबर एजम्पशन, गॉट इट। अब इसका इम्प्लाई क्या करता है, और खुल के भाषा में तो एक्स का वैल्यू को फिक्स रखना पड़ेगा, जो इट इज ए नॉट पॉसिबल, तभी वॉयलेशन होता है, तभी तो सेकंड चैप्टर में हम इकोनोमेट्री का मल्टी कोलिनिटी पढ़ते हैं। वही पूछ रही थी कि इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, वही तो चीज़ बता रहे हैं अभी, जो ये माना गया है। ठीक है, थर्ड है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मैंने पढ़ाया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन कहा जाता है, मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज जीरो। अब एरर टर्म का जो मीन वैल्यू होगा वो जीरो होगा, तो एरर टर्म का मीन वैल्यू जीरो होने का मतलब माने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब नहीं है यू आई का वैल्यू सब जगह जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि वो कैंसिल आउट कर देगा जीरो, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, बाद वाला हम बता देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा नहीं पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में, ये गया और इधर से वो ऐसे नहीं गया, तो इधर प्लस का दिखा रहा है इधर माइनस का दिखा रहा है, तो ये वाला जो हमारा एस आर एल है, ठीक है ठीक है, और ये वाला पी आर एल है, तो यहां पर भी तो ये हमारा प्लस का दिखाएगा और इधर माइनस का, तो ये प्लस माइनस कैंसिल करके जीरो के तरफ टेंडेंसी होता है, एक दूसरे जो दूसरा एरर टर्म, पहला एरर टर्म को जैसे पॉजिटिव आया दूसरा एरर टर्म नेगेटिव आया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो आता है, इसीलिए कहा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म विद द फॉर गिवन द वैल्यू ऑफ, फिर आ रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स इज अ जीरो, गिवन वैल्यू कंडीशनल, याद रखना गिवन एक्स का माना गया है, चूंकि इसमें त्रुटि है तभी तो हम आगे का चैप्टर का डेवलपमेंट, जैसे हीरो है तो हीरो को पिक्चर में आया हीरोइन मिला उसके बाद भी होता है विलेन भी आता है तभी तो पिक्चर बढ़ेगा ना, खाली हीरो हीरोइन को दिखा के नहीं काम चलेगा, उसी तरह माना गया है तभी। अब ये सब वॉयलेशन जब होगा जितना एजम्पशन का, तो एक नया नया चैप्टर इकोनोमेट्री का ओपन होगा। ठीक है, ये संभव नहीं है, एक्स का वैल्यू हम गिवन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, खैरनी तीन ठो बता दिए। अब ये इसका मतलब हो रहा है कि मतलब हम समझा दिए इसका, कि इसका मतलब एरर टर्म इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब होगा कि एक एरर टर्म का वैल्यू पॉजिटिव आया दूसरा एरर टर्म का नेगेटिव, दोनों वैल्यू एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट करके जीरो की तरफ होगा। ठीक है, या इतना ना लिख के खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इक्वल टू जीरो किसके कारण, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है तभी आएगा ना इसका वैल्यू। अब आते हैं चौथा एजम्पशन में, काफी बढ़िया से सीखो। चलिए फोर्थ एजम्पशन में है। अब इसमें माना गया है फोर्थ एजम्पशन में, क्वेश्चन में जो दिया गया है यहां पर एजम्पशन में जो दिया गया है कि वेरिएंस ऑफ इच वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ इच मतलब इच एरर टर्म इज कांस्टेंट, माने एरर टर्म का कांस्टेंट, या हम इस तरह लिख सकते हैं वेरिएंस, ठीक है यू आई एरर टर्म का ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, इसी के बराबर वैल्यू आएगा, इसी को वेरिएंस कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। यानी यहां पर माना गया है अगर ऐसा 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 मतलब क्या हुआ कि दो आदमी का इनकम है,
अगर 10,000 तो दोनों आदमी का एक्सपेंडिचर भी सेम होगा, लेकिन एज ए प्रैक्टिकली नहीं होता। यहाँ थ्योरेटिकली मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि दो आदमी की इनकम सेम है तो दोनों सेम खर्चा, दोनों में वेरिएशन होगा। तो यहाँ तो गलत मान लिया गया है। तो ये जब हमारा वेरियंस ऑफ ईरर टर्म कॉन्स्टेंट होगा, वेरियंस ऑफ ईरर टर्म सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोसीडास्टिसिटी। अब इसको ग्राफिकली भी तुम देख लो कैसा होता है। यहाँ माने यहाँ पर क्या ईरर टर्म का वेरियंस कॉन्स्टेंट है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल का जितना वैल्यू होगा, लेकिन इसका कांस्टेंट होगा वैल्यू किसका, ईरर टर्म का। तो ये केस को दर्शाता है होमोसीडास्टिसिटी, और होमोसीडास्टिसिटी को मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल से आपको समझा दिए कि यहाँ पर जो ईरर टर्म है ये इसके डिफरेंसेस जितना भी वेरिएबल एक्स के इधर करेंगे x1 x2, हम तीन वो लेख चल रहे हैं, तो देखना ये लाइन बराबर होगा सब में, ठीक है। ये होगा अपने समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आया, इधर माइन, ये दोनों एकदम 50% में दोनों लाइन बटा हुआ, ये वाला लाइन। हमारा खींचने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग को समझना है कि ये, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू, नीचे वाला दोनों कर देता है, ठीक है। अब हमारा कांस्टेंट जब वेरिएंस आएगा तो मतलब हो गया कांस्टेंट वेरिएंस, इसको मिटा देते हैं तो आप और आसानी से समझ जाओगे। कांस्टेंट वेरिएंस में मतलब हो गया कि एक समान सबका खर्च करने का पैटर्न है, ये माने किसी का बढ़ा खर्चा नहीं, जैसा खर्च कर रहा है दोनों एक समान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कह देंगे कि अगर वेरिएंस ऑफ पीरियड टर्म इज नॉट कांस्टेंट, अगर नॉट कांस्टेंट इज द वेरिएंस ऑफ पीरियड टर्म नॉट कांस्टेंट, इट गिव द केस ऑफ हिटेरोसीडास्टिसिटी। ये पढ़ना रहता है आप लोगों को, ये एक नया प्रॉब्लम देगा। तो इसमें क्या होगा कि दो व्यक्ति का इनकम सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का एक्सपेंडिचर फंक्शन डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू लाइफ स्टाइल को हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हो। तो हम उसको दिखाते हैं एज ए ग्राफ में, इतना खुल के तो समझा रहे हैं भाई ये, और ये प्रैक्टिकल, ये तो थियोरिटिकल होमोसीडास्टिसिटी, ये मे भी है, कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर आपको इस तरह का मिलेगा, हिटेरोसीडास्टिसिटी का प्रॉब्लम मिलेगा, जिसमें मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह है, दूसरा में ऐसा है, ये हो सकता है कि तीसरा में इससे भी छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या बढ़ते भी जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना है बढ़ते जाने का, इसलिए कि क्योंकि वेरिएंस को बढ़ते जाना, मतलब ये क्या है कि इतना डेविएशन हो रहा है, किससे डेविएशन हो रहा है, ये लाइन हमेशा मीन से डेविएशन इतना से इतना होगा, उसमें क्या था कि सब वाला में एक समान डेविएशन था, क्लियर हो गया। तो इस केस को हम लोग कहते हैं हिटेरोसीडास्टिसिटी, यानी दो व्यक्ति का इनकम समान रहने के बावजूद भी दोनों के एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स का वो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होगा। तो ये भी हो गया। अब पांचवा हम लोग सीखेंगे, देयर इज ए नो कोरिलेशन बिटवीन ईरर टर्म, पांचवा एजम्पशन, पांचवा एजम्पशन है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ईरर टर्म। जैसे ईरर टर्म में ui हम लिखते हैं, तो इसका मतलब u1 u2 n तक को, तो हमने दो को दिखाया था अभी से पहले। तो यहां पर कोरिलेशन बिटवीन ईरर टर्म, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन ईरर टर्म, देयर इज ए नो कोरिलेशन बिटवीन द ईरर टर्म, नो कोरिलेशन बिटवीन द ईरर टर्म, या इसी को, इस एजम्पशन को मैथमेटिकली भाषा में अगर कहें तो कोवेरियंस ऑफ ईरर टर्म, कोवेरियंस ऑफ ईरर टर्म, ठीक है, ये जीरो होगा जब कोई कोरिलेशन नहीं होगा मैंने ईरर टर्म के बीच। अब इसी को हम लोग कहते हैं इट इज द एजम्पशन ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। ये क्या एजम्पशन, इसका मतलब होता है नो ऑटो कोरिलेशन, लेकिन एक्चुअल में यहां पर कोई ऑटो कोरिलेशन हमको नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यही एजम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन। लेकिन ये क्या है, थियोरेटिकली हम सही मान सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकली ईरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन होता है, ठीक है, कोरिलेशन होता है, जैसे इनकम बढ़ने पर परचेजिंग पावर भी बढ़ जाता है, याद रखना।
तो कोरिलेशन होता है जिसके कारण हम इकोनॉमिक्स में एक ये वॉयलेशन होगा तो एक नया लेसन उभरता है जिसको ऑटो कोरिलेशन पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स से इकोनोमेट्री का सेकेंड चैप्टर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ कोवेरियंस जीरो है, आप इसको हम दिखाएंगे जब नो ऑटो कोरिलेशन होगा तो ग्राफ इस तरह होगा, उसको मिटा देते हैं तभी होगा। नो ऑटो कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगा और निगेटिव ऑटो कोरिलेशन होगा। जब कोई नो ऑटो कोरिलेशन, आप लोग अपने दिमाग को खोल के रखिएगा, यहाँ पर जो भी है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अपनी सिंपलिसिटी को माना गया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड सिंपलिसिटी को माना गया है, अगर महामारी हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, लेकिन हाँ इन जनरल केसेस में लागू होती है। तो उसी तरह ये जो बता रहे एकदम पूरा सत्य नहीं है, इसका वॉयलेशन होगा तो फिर आगे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, अरे पीछे जो पढ़ा रहे थे तो सही बता रहे थे, अभी तुमको अजीब लगे। जैसे नो ऑटो कोरिलेशन होगा इसका कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, जैसे पर तैसे है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये वाला लाइन देखो इधर से ऐसे 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 देखो पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन इसको हम कहेंगे, देखिए ऊपर जाएगा वर्टिकली। और नेगेटिव होगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, देखो इस एक्सिस से इस एक्सिस जाएगा, जस्ट उलट जाएगा, इधर से ऐसे 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 जाएगा। अब उसका डिटेल पढ़ना होगा तो भाई सेकंड चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसको नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है, ताकि आपको एजम्पशन में ये सब नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया। अब उसके बाद इतना तो एजम्पशन है ओएलएस का मैथमेटिकली, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी है। ठीक है, छठा एजम्पशन है कि जो रिग्रेशन मॉडल को करेक्टली मतलब स्पेसिफाइड होना चाहिए, करेक्टली आप कह सकते हो स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी इसमें किसी तरह का भी कोई नो स्पेसिफिकेशन एरर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन एरर। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब भी कितना लोग नहीं जानता होगा, जैसे गाड़ी उड़ी लेते हैं तो भैया ये है इसका सीसी है, इतना लेंथ है, इतना है, पर उसमें डिटेल रहता है उस गाड़ी के बारे में, ठीक है, मोटा मोटा चीज़। तो स्पेसिफिक एरर नहीं होना चाहिए, ये कोरिलेशन मतलब है रिग्रेशन मॉडल आर वेल स्पेसिफाइड, मतलब कोई नहीं। अब इसका मतलब है यहाँ साफ है कि स्पेसिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, मानता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी इल मतलब कोई भी रेलेवेंट जो वेरिएबल है उसको मस्ट भी एडेड मतलब एडेड करना इंक्लूड करना है रिग्रेशन मॉडल में, अभी हम दिखाए थे पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में, और इल रेलेवेंट जो बिना काम का है उसको हटा देना है, मस्ट भी एक्सक्लूडेड। अब मान के चलो हम एक स्टडी करना चाहते हैं डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल या किसी भी प्रोडक्ट का, तो सिर्फ हम प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं और एट द सेम टाइम इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने रिग्रेशन मॉडल से, तब वहां पर जो कमिट कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन एरर। तो माने हम कर रहे हैं लेकिन ये मानता है कि आपको किसी तरह का स्पेसिफिकेशन एरर करना है, स्पेसिफिकेशन एरर नहीं करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यही था और आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा।